दोस्तों, अगर जानना चाहते हैं कि अपने एंड्रॉइड मोबाइल की जो स्क्रीन है वो पीसी में कैसे लाए, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और मैं आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश, आप देख रहे हैं ऑफिशियल शाहरुख। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपने अगर ऑफिशियल शाहरुख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे यहाँ पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी नए अच्छे से वीडियो डालते रहते हैं और बिल्कुल हिंदी भाषा में होते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी मेरे बारे में आपको बता दूं कि मेरा भी एक चैनल है टेक्निकल हिंदी के नाम से यूट्यूब पर, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। मैंने उसकी लिंक जो कि है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसे चेक करें। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलिए दोस्तों, हम वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पास गूगल क्रोम होना जरूरी है। गूगल क्रोम से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपने वैसे तो बहुत एप्लीकेशन देखे होंगे अपने मोबाइल को मिरर करने के लिए, एंड्रॉइड मोबाइल को मिरर करने के लिए, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है। और इससे क्या होता है, बार बार आपका जो मोबाइल है वो बंद नहीं होता है। मतलब कोई 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 मिररिंग स्क्रीन क्या होती है वो पेड रहती है, और ये बिल्कुल फ्री तरीका है। मतलब ये कितने भी साल तक आप यूज करेंगे तो आपको ये फ्री रहेगा, इसकी एक खासियत है। और दूसरी बात, ये बार बार बंद नहीं हो जाएगा, आपका मोबाइल डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोर, अपने गूगल क्रोम में मोर टूल में जाइए और एक्सटेंशन पे क्लिक करें। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं गेट मोर एक्सटेंशन है, हमें वहां पे क्लिक करना है। और इसके बाद विजर डाल देना है यहाँ पे, VYSOR। जैसे हम विजर सर्च करते हैं तो सबसे पहला वाला जो आ जाएगा विजर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा उसका आइकॉन है। आप हमें क्या करना है, इसे ऐड टू क्रोम कर लेना है, और इसके बाद इसे ऐड ऐप में कर लेना है। जैसे हम ऐड ऐप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकिंग शुरू हो गई है। दोस्तों, अब क्या करें, अपना मोबाइल जो के है वो यूएसबी से कनेक्ट कर ले और उसमें यूएसबी डबिंग ऑन रखे। यूएसबी डबिंग ऑन करना बहुत ही आसान है। डेवलपमेंट में जाइए अपने सेटिंग में और यहाँ से यूएसबी डबिंग ऑन कर लीजिए। या फिर आपने जैसे ही मोबाइल अपने यूएसबी से कनेक्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बार में यूएसबी डबिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास अगर एडीबी ड्राइवर नहीं है तो आप उसे भी इंस्टॉल कर ले, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले चेकिंग कर रहा है तो इसे चेकिंग करने देते हैं। हम एक्सटेंशन में जाते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आता है या नहीं, इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, अभी ये कंप्लीट हो चुका है, तो हम एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकेंगे यहाँ पे कि विजर आ चुका है। तो दोस्तों, अगर ये इनेबल नहीं होगा तो आप इसे इनेबल यहाँ से कर लीजिए। इसके बाद हम इसे ओपन कर देते हैं। ये इसका जो के आइकॉन है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये देखिए, हम अगर विजर पे क्लिक करते हैं, डिटेल में जाते हैं, इसके क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करना है। ये देखिए क्रिएट शॉर्टकट, तो इसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दें। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप नीचे देख सकते हैं विजर का आइकॉन यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आ चुका है। हम इसे ओपन कर देते हैं। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज क्वालिटी आपको कैसी रखनी है। इसके बाद स्टार्ट ऑटोमेटिकली करना है और विंडोज यूज नीड एडीबी ड्राइवर। तो ये देखिए, मेरे पास एडीबी ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, अगर आपके नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप एडीबी ड्राइवर पे क्लिक करेंगे तो एडीबी ड्राइवर तक आपको पहुंचा जाएगा। कुछ 9 MB का एप्लीकेशन है, आपको उसे डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में और इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए, यूनिवर्सल विंडोज एडीबी ड्राइवर आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप अगर डायरेक्टली इंटरनेट पे अगर सर्च करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। डायरेक्टली आप विंडोज 7 के लिए, विंडोज 8 के लिए डाल सकते हैं। इसके बाद फाइंड डिवाइस पे क्लिक करें और अपना जो मोबाइल है उसमें यूएसबी डबिंग ऑन कर ले। देखिए, मैंने मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, सिर्फ यूएसबी डबिंग ऑन करना है अभी। देखिए, मैंने यूएसबी डबिंग ऑन कर लिया है और लेनो फ्रॉम लेनो ये आ चुका है। और अगर हम कंप्यूटर में देखिए, मेरा मोबाइल कनेक्टेड है, उसमें कुछ फाइल्स दिखा रहा है, तो मतलब है कनेक्टेड है। तो हमें इसे सिर्फ क्लिक करना है, इसके बाद सिलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, एक मोबाइल में मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, चेक योर एंड्रॉइड डिवाइस एंड क्लिक ऑलो यूएसबी डबिंग, तो मैंने इसमें कर लिया है। तो अभी मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा जो कि नाम से विजर ही नाम से होगा, वो ऑटोमेटिकली होता है, आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, देखिए कह रहा है रिस्टार्ट कर लीजिए अपना विजर। तो हम इसे कट करके फिर से अपने मोबाइल को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं और एक बार फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, लेनोवो डिस्कनेक्ट हो चुका है। अभी हम फिर से क्या करते हैं, इसका पोर्ट चेंज करके लगा देते हैं। देखिए, मोबाइल मेरा भी लगा लिया और मैंने यूएसबी डबिंग मोड ऑन कर लिया है। इसके बाद आपको
फिर से विजर ओपन कर देना है। जैसे हम ओपन करेंगे फाइंड डिवाइस पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें, ये देखिए अभी मेरे मोबाइल में अलो का ऑप्शन है, मैं इसे अलो कर देता हूँ, आपके इसमें भी अलो का ऑप्शन बताएगा, तो इसे ओके कर दे। जैसे दोस्तों मैं इसे ओपन करता हूँ तो आपको क्या होगा कि आपने मोबाइल की स्क्रीन जो कि है यहाँ पे आपको दिखनी शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग विजर एपीके, अभी मेरे मोबाइल में जो कि इंस्टॉलिंग विजर एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, तो हम इसे ओपन होने देते हैं। दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों जो कि अभी विजर है वो ओपन हो चुका है और ये मुझे मेरे मोबाइल में कुछ कनेक्शन के बारे में बता रहा है, तो हम इसे ओके कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा मोबाइल किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। देखिए मैं इसे बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, और इसके बाद इसे डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से चला सकता हूँ। और आप अगर इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर कुछ साइट आते हैं, तो देखिए हम इसे नोटिफिकेशन बार भी ओपन कर सकते हैं और इसकी हम क्वालिटी भी अच्छी कर सकते हैं। देखिए आपसे देखिए बहुत बड़ा भी ऐसे हो जाता है, और हम इसे अभी छोटा ही रखते हैं। तो दोस्तों ऐसा सिंपल तरीका है जिससे आप अपने कंप्यूटर में अपने एंड्रॉइड मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे मिरर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है टेक्निकल हिंदी के नाम से, तो आप वहाँ पे जाइए, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।